500 kg लेग प्रेस मेरे को 300 लग रही है। हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दिस इज हिमांशु शर्मा और आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स और 3 reps की ट्रेनिंग आज की होगी। आपने देख लिया होगा वैसे तो थंबनेल टाइटल में, और लेट्स सी गुरुजी से पूछते हैं कि कितने रैप्स की ट्रेनिंग करनी है, बाकी कंफर्म कर लेते हैं और कितना लोड लेना है आज का। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। गुरुजी 3 reps की ट्रेनिंग है आज। पिछली कितनी थी हमारी? 3 reps की। 5 की भी हो गई, 8 की भी हो गई। 3 reps की लेकर आ गए? 3 नहीं हुई थी। 5 की कितनी थी? 5 की 230 करी थी। तो 3 reps की पट्टी में करेगा? हाँ, वो आपने कहा था कि 250 ही करेंगे लेकिन स्पीड से करेंगे। तो उस दिन हम 250 कितनी बोल रहे थे? 250 की 3 करी थी, वो कह रहे थे आप थोड़ी स्पीड में। हाँ, स्पीड रिपीट कर लेंगे। ठीक है, आ रहे हो आप? I see you rolling up over black Cadillac. भाई चाय बन चुकी है और इसके बाद हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे आज। मास्टर भाई तो कह रहे हैं आज 1 rep ट्रेनिंग करके देख लेते हैं मैक्सिमम कितना लगा दो, क्योंकि कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक है। तो देखते हैं, चाय बन चुकी है, तीनों चारों चीज़ें मैंने डाल दी है, स्टार्ट करते हैं। Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this. लोग लास्ट वीडियो में मुझे पूछ रहे थे कि आपने उसमें मेंशन नहीं कर रखा था वीडियो में कि वार्म अप सेट कितने का ले रहे हो। तो देखो, एक तो टाइम नहीं होता, लिफ्ट के टाइम में थोड़ा फोकस जरूरी होता है। बाकी मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि अभी जो मैंने लिया है वार्म अप सेट, वो पहले खाली बार लिया है 20 किलो से, और उसके बाद मैंने 70 किलो लिया है। तो 70 किलो के बाद ग्रेजुअली हमने 15-15 किलो वेट बढ़ाया दोनों साइड, यानी कि 30 किलो का मैं गैप ले रहा हूँ। अगर आप प्रोफेशनल है तो 30 किलो ले सकते हो, और अगर आप बिगनर हैं अभी या इंटरमीडिएट है तो मैं कहूँगा कि 20 किलो का आप गैप लें, 20-20 किलो करके बढ़ाएं। और जो आपका मेन सेट होगा, जिसके आप 4 सेट लगाने वाले हो या जितने भी रैप की आपकी ट्रेनिंग है, लाइक मेरे यहाँ 3 reps की ट्रेनिंग है, तो मैं 250 किलो लगाऊंगा। तो 250 से पहुँचने से पहले मैं 15-30 किलो का टोटल गैप लूँगा उनसे पहले, और वो सारे मेरे 250 से पहले जितने भी होंगे वो सारे वार्म अप सेट होंगे। और शुरू में आपके रेपिटेशन थोड़े हाई होंगे ताकि मसल्स आपकी एक्टिवेट हो जाए, लाइट वेट है। जैसे जैसे आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आप एनर्जी बचाएंगे और रेपिटेशन कम करेंगे, फिर सिंगल सिंगल रैप पे आप आ जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है आज का। और अभी फ़िलहाल मैंने क्या है, 230 लगाया था लास्ट सेट में, अभी पिछले में 230 कर रहा हूँ, फिर इसके बाद सीधा 250 करूँगा, उसके 3 sets 3 reps लगाएंगे। कौन से वाली माइक लगा दिया?
ठीक है, डाल भी केक साथ डाल Chill. 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 Chill.
एक और दो 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 प्लेट डाल दो डाल दो सो गाइस ट्रेनिंग हो चुकी है आज की कंप्लीट एंड वैसे तो शेड्यूल के हिसाब से शोल्डर भी है मेरी लेग्स के साथ में बट 10:30 बज चुके हैं रात के और जिम भी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है 10 बजे का टाइम होता है वैसे तो बट एनीवेज वो मैं अर्ली मॉर्निंग कल जाके ट्रेन करूँगा। सो आज की आपने हैवी स्क्वाट्स देख ली थी 250 किलो। सो एक चीज़ को आपको उसमें ध्यान रखना है, जो मिस्टेक हमारे साथ में हुई है, जो हमारा लोडर था उसको पता नहीं था कि आज मेरी 3 रैप्स की ट्रेनिंग है और उसने वेट को कैच कर लिया था। सो ऐसे टाइम पे थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं मुझे, बट बहुत रिस्क था, लोअर बैक इंजरी हो सकती थी, स्लिप डिस्क हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, या फिर नी में कुछ ऐसा हो सकता था, यहाँ से भी बिल्कुल टकना जो होता है हमारा टूटने का पूरा डर होता है। सो मैं आपको बताऊँगा कि इस चीज़ से आपको सीखना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी आपके सपोर्टर होते हैं आगे पीछे साइड में उनको आप पहले ही इन चीज़ों के बारे में बताएं कि आप कितने रैप्स की ट्रेनिंग करने वाले हो, मतलब उसको थोड़ा आइडिया दे दो कि वेट को किस तरीके से कैच करना है, कब करना है, मैं क्या कमांड दूंगा। तो वो चीज़ स्पोर्टर को पता होनी चाहिए, लोडर को पता होनी चाहिए, जैसे मेरे साथ वो गलती हुई, ताकि आपके साथ ना हो। सो ये थी आज की हमारी 3 रैप्स की ट्रेनिंग। पिछली लास्ट ट्रेनिंग भी मैंने 250 की थी बट उसमें मेरी स्पीड कम थी, तो गुरुजी ने कहा था कि रिपीट करना है 250 नेक्स्ट 3 रैप्स की जब भी ट्रेनिंग होगी। सो बहुत ही अच्छी स्पीड आई थी, वैसे तो मेरा एक सेट आज ख़राब हो गया, तीन सेट 3 रैप्स की ट्रेनिंग थी बट एनीवेज बहुत अच्छी स्पीड और बहुत अच्छी पावर थी। नेक्स्ट टाइम में जब भी हम 3 रैप्स की ट्रेनिंग करेंगे तो थोड़ा कोशिश करेंगे 60-70 पे जाएंगे और उसके 3 रैप की हम ट्रेनिंग करेंगे, और थोड़ा ट्रेनिंग को आपको देख देख के समझना पड़ेगा। मैं बीच ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं समझा सकता, नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है हमारा पावर लिफ्टिंग में ज़्यादातर। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थोड़ा वीडियो को प्यार दो यार, और कमेंट करके ज़रूर बता देना यार वीडियो अच्छी लगी तो, और वीडियो को शेयर करना जितना हो सके आगे लोगों तक पहुँचाना, और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।